हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गोस्ट इको इफेक्ट की प्रीमियम प्रो के अंदर। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो फ्रेंड्स, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं, तो आप वीडियो में देख पा रहे हो नॉर्मल वीडियो चल रही थी, अब इस वीडियो में हमारे पास गोस्ट इफेक्ट आना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमने दो गोस्ट इफेक्ट तैयार किए हैं और जो हमारी नेक्स्ट क्लिप है इसमें एक गोस्ट इफेक्ट है। तो ये कैसे बनता है, इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी क्लिप्स को प्रीमियम प्रो में इंपोर्ट कीजिए। तो मैं जो पहले ये क्लिप आपको दिखाई थी, जो आउटपुट था, रिजल्ट था, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। और जहाँ पर हमारी क्लिप्स पड़ी हैं उन्हें हम ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन में ऐड कर लेते हैं। ओके, तो मैंने ये क्लिप ऐड कर ली। इसके बाद हम अपनी सेकंड क्लिप ले आते हैं। मैं आपको दो क्लिप पर ये इफेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो आप अगर देखेंगे तो इसे अगर स्टार्टिंग से हम लोग प्ले कर देते हैं, जो ये ब्लैंक एरिया है इसे शिफ्ट डिलीट के साथ डिलीट कर देते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये हमारी है ओरिजिनल क्लिप। अब इस क्लिप पर आपने गोस्ट इफेक्ट क्रिएट करना है इन दोनों क्लिप्स पर। तो वो कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी अल्ट की को प्रेस करके इस क्लिप की एक डुप्लीकेट क्लिप तैयार कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक। सेकंड जो हमारा काम रहेगा कि हम अपनी जो सेकंड कॉपी है क्लिप की, उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर चूज करेंगे स्पीड ड्यूरेशन। और मैं इसे कर देता हूं इसकी स्पीड को 90% और अपना टाइम इंटरपोलेशन को कर देते हैं हम ऑप्टिकल फ्लो। तो आप देख रहे हो कि इस क्लिप का पहले वाले क्लिप से थोड़ा साइज इंक्रीज हो चुका है। और जो नेक्स्ट काम रहेगा हमारा कि हमने स्पीड ड्यूरेशन सेट की, अब हम अपनी क्लिप का जो ओपेसिटी है उसे कर देंगे 50%। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब अगर हम इसे प्ले करते हैं, देन आप देख पा रहे हो कि हमारी इस क्लिप की एक गोस्ट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब फ्रेंड क्या करते हैं, इसकी ड्यूरेशन को हम थोड़ा कम कर लेते हैं ओरिजिनल क्लिप के कंपैरिजन में। ठीक है, इससे ये हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम अपने इफेक्ट को श्रिंक कर सकें। हाँ, अब ठीक लग रहा है। ओके, हाँ ठीक है, तो श्रिंक कर सके। और सेकंड हमने यहां पर इफेक्ट अप्लाई करना है एक क्रॉस डिसॉल्व, उसकी जरूरत नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी वीडियोस में इसे ऐड करता हूं। तो मैंने इफेक्ट वर्कस्पेस सेलेक्ट किया, मैंने इफेक्ट्स ओपन कर लिए और यहां पर हम खोलेंगे डिसॉल्व। आप ट्रांजिशंस में जाइए, वीडियो ट्रांजिशन में जाइए, डिसॉल्व में जाइए और क्रॉस डिसॉल्व सेलेक्ट करके इस आपकी क्लिप के, डुप्लीकेट क्लिप के स्टार्ट और एंड में लगा दीजिए। अब हम एक बार चेक करते हैं, तो ये आपका इफेक्ट धीरे धीरे जनरेट होगा। ठीक है, इसी तरह से अब मान लीजिए ये तो क्या है कि एक गोस्ट हमने इफेक्ट क्रिएट किया है। अब अगर हम चाहें तो एक से ज्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा एक मिनट, मेरी सेटिंग्स थोड़ी अपसेट हो गई थी प्रीमियम प्रो की। तो अब हम इस जो हमारी सेकंड क्लिप है इस पर पहले एक और डुप्लीकेट क्लिप की हमने अल्ट की हेल्प से
हमने राइट क्लिक किया, स्पीड ड्यूरेशन में गए, 90% किया, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया ऑप्टिकल फ्लो, इसके बाद आपने ओपेसिटी कर दी इसकी 50%। तो अब अगर हम इस वीडियो को प्ले करते हैं तो आपको इस तरह का इफेक्ट शो होगा। ठीक, अब यहां पर हमारी एक गोस्ट, एक इको इफेक्ट क्रिएट हुआ है। अब मान लीजिए हमने दो करने, तो आप एक कॉपी और क्रिएट करेंगे। यहां पर हमने इसकी स्पीड ड्यूरेशन 90% रखी थी, इसकी हम रख लेते हैं 80%। ओके, बाकी आप इसे कम ज्यादा करके, एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक, अब हम इस क्लिप को दोबारा प्ले करके चेक करते हैं। ओके, ओपेसिटी नहीं चेंज हुई, इस वजह से इफेक्ट हमें शो नहीं हुआ। एक मिनट, इसे 50% करते हैं। तो हमने 50% ओपेसिटी कर दी। अब इसे एक बार मैक्सिमाइज कर लेते हैं और अब प्ले करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी वीडियो क्लिप में, वीडियो में गोस्ट इको इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया। कोई आपको बाहर से इफेक्ट्स, प्रीसेट, प्रीसेट, ट्रांजिशन कुछ भी यूज नहीं करना है। आप इनबिल्ड जो हमारे प्रीमियम प्रो में ऑप्शंस है उनकी हेल्प से ये काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लोगे, रेंडर कर लोगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आउटपुट दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूं। तो जो ये हमने आपको, मैंने स्टार्टिंग में आउटपुट दिखाया था, इस तरह की आपकी वीडियो ये क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने इस वीडियो में से कुछ सीख है, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और जिन मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय।